राधे राधे, आज एक ऐसी मिठाई बना के तैयार कर रहे हैं कि आप खाओगे ना तो बोलोगे हाँ वाकई में ही मिठाई खाई। और ये ना ना घी में ना तेल में, कम खर्च में बनने वाली मिठाई और फटाफट से बनने वाली मिठाई तो तैयार करते हैं। तो पहले हमें ना चाशनी को तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले इस वाली रेसिपी में हमें ना चाशनी तैयार करनी होती है। चाशनी के लिए मैंने ना 4-5 चम्मच के करीब शक्कर ले लिए। आप जितना बनाना चाहे उस हिसाब से शक्कर रखें और इसमें ना थोड़ा सा पानी डालते हैं, 4-5 चम्मच के करीब। ज़्यादा हमें ना चाशनी को पतला भी नहीं करना है, एकदम जिस तरह चिपचिपी सी रखनी है। और ये मेरे पास ब्रेड है क्योंकि आज ब्रेड से बनाई जाने वाली है, तो ये मैंने ब्रेड ले लिए। हमें ना ब्रेड के साइड को काट लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं मैंने इन बाउंड्रियों को हटा दिया है, इन्हें फेंकना नहीं है, ये हमारे बहुत काम में आने वाले होते हैं। ब्रेड क्रम भी बना सकते हो आप। तो ये बाउंड्री मैंने साफ कर दिए, तो सारी ब्रेडों को हमने ऐसे ही साफ कर लिया। अब ये मैंने कटोरी ली है, इसमें डालेंगे हम मलाई। ये मेरे पास है ना मिल्क पाउडर है, तो इसमें है ना 2 चम्मच हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर आप कोई सी ब्रांड का ले सकते हैं। ये मेरे पास है ना कोकोनट डेसिकेटेड पाउडर है, नारियल का बुरादा है, तो 2 चम्मच मैंने ये लिया है। तो इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। तो ये हमने मिला लिया है। और है ना इसमें ना गेहूं की ब्रेड का यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी, ब्राउन ब्रेड। इसमें ना मैदे की ही ब्रेड डालनी है। ये मेरे पास कुछ है ना मिली जुली मेवा है, आप जैसा ड्राई फ्रूट खाना चाहें आप उसी हिसाब से रखें। अब ये जो ब्रेड है हमने ना काटी थी, तो इनको मैं रख लूँगी। ये पेस्ट हमने बनाया था मलाई का, बस इनके ब्रेड के बीच में इनकी स्टफिंग को इस तरह हम रख लेंगे, लंबा लंबा करके, एकदम फैलाना नहीं है, सिर्फ लंबा रखना है इनको। अब इनको हमें ना धीरे से गोल करेंगे। ब्रेड क्या है, हवा खा जाती है ना तो ये सूख जाती है, तो ये ना टूटने का डर रहता है। तो आप इन्हें ना बहुत आराम से फोल्ड करें, इस तरह मैं कर रही हूँ ना, आपको देख पा रहे हो ना, मैंने बहुत आराम से इनको फोल्ड किया है और मेरी सारी ब्रेड है बनके तैयार हो गई। तब तक चाशनी भी ठंडी हो गई है। तो ये चाशनी ली, आप सोच रहे होंगे चाशनी का कलर ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ना इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया था, इससे इसका कलर बहुत अच्छा होगा, एकदम हमें आमरस जैसे चाहिए। तो ये मैंने ना इसके अंदर अच्छे से डिप कर लिए और एक्स्ट्रा चाशनी थी वो हमने निकाल दी है। तो बस ऐसे ही हम सारी ब्रेडों को तैयार कर लेंगे। ये हमारे पास नारियल का पाउडर था, जो नारियल बुरादा बोलते हैं ना कोकोनट का, ये वही है। इसके ऊपर है ना हम नारियल के बुरादे की अच्छी सी कोटिंग कर देंगे ना, तो ये वास्तव में इतना स्वादिष्ट बनता है। और मेन चीज़ तो इसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स तो यही है। तो मैं ऐसे ही सारी ब्रेडों को तैयार कर लूँगी और फटाफट से ये प्रोसीजर आपको करना है, क्योंकि ब्रेड सूख जाएंगे ना तो बिल्कुल ये फोल्ड नहीं होंगी क्योंकि ये टूट जाती हैं। तो फाइनली मैंने बना के तैयार कर ली है, आप देख पा रहे हो। अगर आपके घर में ना मेहमान आएंगे ना, सच बता रही हूँ, मेहमान के आपके पड़ोसी भी मेहमान बन के इनको खाने के लिए आएंगे, तब ये खाएंगे। ये है मलाई चाप जो छेना से बनाते हैं, आज मैंने इसको ना ब्रेड से तैयार किया और फटाफट से ये मिठाई इतनी जल्दी तैयार हो जाती है कि क्या बताऊँ। क्या है कभी कभार हमारे घर के सदस्य ना बाहर नहीं जाते ना मिठाई लेने के लिए, तो घर में हमारे ये सामान तो रहता ही है। तो गाइस आप इस मिठाई को इस तरह तैयार करें। और आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक करें। जिन्हें मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मलाई चाप को इंजॉय करें। जिस तरह मैंने बनाया ना, आप उसी तरीके से बनाएंगे तो आपके पड़ोसी क्या हर कोई आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएगा, सच बता रही हूँ। खाने में इतनी स्वादिष्ट है और इसको ठंडी करके खाओगे ना तो और अच्छी ही लगेगी, सच बता रही हूँ। फ्रिज में रख के खाना तो फिर आप कहना कि हाँ वास्तव में हमने कुछ सीखा था। तो फाइनली आपको मेरी मलाई चाप पसंद आने वाली है ना। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना, ऐसी वीडियो लेके आऊँगी। राधे राधे।